बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर के साथ। अलवर के एनीबी थाना क्षेत्र में स्थित कैमाला गांव में देर रात लैंटर टूटकर गिर गया, जिससे उसके नीचे सो रहे चार लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद एनीबी थाना अधिकारी शहर सीओ मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चारों को मृत घोषित कर दिया। सभी के शव मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक साल पहले लैंटर की छत डाली गई थी, जो रात में टूटकर गिर गई, जिससे मासूम शबनम, आदिया और करीब एक माह के बच्चे की मौत हो गई। बारह महीना हो गए डले। अच्छा, इनमें जो दबे हैं वो कौन कौन लोग दबे थे? मामूरू, सालिया, शबनम और छोटा छोरा का नाम नहीं धरा, और ये अपनी औरत वाके। वो जो छोटा लड़का था कितने साल का था? एक महीना का। एक महीने का बच्चा था। टोटल कितने लोग मरे हैं? टोटल चार। चार कौन कौन है ये लोग आपस में? आपस में मामूरू और सालिया, शबनम। बड़ी मशक्क़त के बाद एक आशियाना बनाया था कि बच्चों को पाल पोस कर यहीं बड़ा करेंगे, और उसी आशियाने ने आज रात चार जाने ले ली। ये पीछे एक कमरा है पूरा, ये कमरा, इसी कमरे में से चार लोग के शव निकाले गए, जेसीबी बुलाई गई, इसे तोड़ा गया, वो सब लोग इसी में सो रहे थे। तोड़कर इस छत को और उन बाकी लोगों को निकाला गया है। ये जिस जगह हम खड़े हैं, ये मैं इस तरफ एक बार दिखाना चाहूँगा कि आप एक बार पीछे होकर दिखाएं कि ये पूरा तिरछा हो रखा है। ये छत है, जो पूरी छत गिर गई है, करीब 70 फीट के करीब ये छत बता रहे हैं। ये 70 फीट लंबी एक जो छत है वो यहाँ डाली गई थी, और पूरी छत एक साथ खिसक कर नीचे गिर गई। कमरा की छत पूरी नीचे गिर गई और उसमें सो रहे चार लोगों की मौके पर डेथ हो गई, जबकि दूसरे माँ और बेटी जो थी वो उनको चोट नहीं आई और वो बच गई हैं। ये एक पूरा जो बरामदा था, इस बरामदे में परिवार के बाकी लोग भी सो रहे थे, लेकिन एक तरफ दीवार से टेक लगने के कारण तिरछा हो गया और उससे उनकी जान बच गई। ये कह सकते हैं कि जाने जा सकती थी, लेकिन फिर भी चार जाने चली गई हैं। दुखद घटना, बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। मेरे साथ लोग हैं, सदर है मेयो पंचायत के, रात को आप यहाँ पहुँचे हो, क्या हादसा है पूरा, कितने लोग यहाँ सो रहे थे? करीब 18-20 लोग, इनकी फैमिली के लोग यहाँ पर सो रहे थे, और ये बहुत ही दुखद हादसा है, क्योंकि एक गरीब आदमी ने बड़ी मुश्किल से एक मेहनत करके एक अपना आशियाना बनाया था, अभी आपने बोला और वो उजड़ गया। मैं अविलंब प्रशासन से और सरकार से आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको आर्थिक मदद की बात करें, और जल्दी से जल्दी इनको आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करें। और इनका घर जो है, ये घर पूरी तरह से उजड़ गया है, इस घर में भी इनको नए सिरे से घर बनाने का सरकार काम करे, मैं सरकार से निवेदन करूंगा। साथ साथ गांव के सभी लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि इस वक्त, इस बुरे वक्त में इस गरीब परिवार की आप लोग मदद करें, और ये बहुत ही दुखद घटना है। और घटना दुखद है, मदद की बात भी है। आप इसके नीचे ही सो रहे थे, कमरे में थे, नीचे कितने लोग सो रहे थे, कैसे पूरी घटना हुई? 18 लोग सो रहे जी, मैं इसमें अंदर हूँ, ये कमरान जो मैं इसमें अंदर लौट पड़ो, और मेरा बड़ा भाई वो परली साइड लौट पड़ो, जब वन रोड में चाहिए फिर मैं खड़ो होकर आयो, फिर हम सब भाई मिल के नहीं उठा रहा हूँ मेरे भाई के दबवा के नीचे, हम उसको उठा रहा, जब उठो ना फिर मैं जेसीबी के लिए गयो, जब जेसीबी आई घनी देर लगी जेसीबी आना में, फिर वक्त बाद फिर जेसीबी ने निकाला हुआ, जिनमें से चार की मौत होगी और उसकी अम्मी और उसकी एक लड़की बची। एक जो बेटा है वो तो कोई एक महीने करीब था? हाँ, एक बेटा है, उसको एक महीना का था, उसकी भी डेट हो गई। तो कब बनाया था, पूरी छत कब डाली थी? ये 6-7 महीने हो गए इसको बनाए हुए। कमजोर रह गई थी या क्या कारण लग रहा है सब लोग तुम इकट्ठे हो? हमने कमजोर तो नहीं बनाए थे, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, इसमें बारिश की वजह से लगा लो इसको। दुखद घटना हुई है, बड़ा हादसा है, चारों लोगों के शव मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं, पुलिस ने मौका मुआयना किया है, घटनास्थल रात में ही देखा गया है, बाकी लोग भी रात को पहुंचे हैं। ये बात भी आई है कि आर्थिक सहायता दी जाए, लेकिन जो लोग जा चुके हैं चार लोग, वो वापस नहीं आ सकते। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अलवर।